दोस्तों आज की कहानी है ननंद जी, तुम हमारे घर में नहीं रहोगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शीर्षपा तुम्हारी ये अंगूठी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जी जी, तुम्हारी मम्मी ने दी। हाँ जी जी, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, लाओ जरा पहन कर देखूं। जी जी, सुंदर तो मुझे भी अपने हाथ पर बहुत लग रही, एक बार पहन कर देख लूँगी तो क्या कुछ आफत आ जाएगी। जी जी, आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन पिछली बार आपने टॉप्स भी यही कह कर लिए थे। देखो तो लो जरा, मुझसे एक अंगूठी के लिए जबान लड़ाई जा रही। जी जी, जबान नहीं लड़ाई जा रही, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि मैं आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ। आप टॉप्स वाली घटना भूल गई क्या? शिक्षपा याद करने लगी वो दिन जिस दिन वो इस घर में डोली से उतरी थी। आ जाओ तीनों नंदनी और शिक्षपा के बक्से से अपने लिए मन पर साड़ियों निकाल लो। मम्मी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। नहीं मम्मी, भाभी को उनकी पसंद की साड़ियाँ उनके मम्मी पापा ने दिलवाई होगी, और हम वो साड़ियाँ लेकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, बड़ी ननंद बोली। जी जी, बिल्कुल ठीक हो रही है मम्मी। आखिर इस बात का दर्द हम लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा, जब हमारी आंखों के सामने हमारी नंद ने हम लोगों की मन पसंद साड़ियाँ ले गई और हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाए। सबसे छोटी ननंद बोली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिवाज बनाई गई। माधुरी के शब्दों में अफसोस झलक रहा था। शिक्षपा को अपनी सासू माँ और ननदों की बातों से बहुत सुकून पहुँचा। मैं तो ये नेक अपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी शीला झट से उठ खड़ी हुई और हाथ नसाते हुए बोली, और जो उसे खूबसूरत साड़ी थी उस से मैं उसे निकाल लिया। शिक्षपा भर कर रह गई, क्योंकि ये साड़ी खास मम्मी उसके लिए अपने मायके बनारस से लाई थी। कोई बात नहीं, चलो मम्मी से कह कर ऐसी दूसरी मंगवा लेंगी, ये सोच कर शिक्षपा ने मन में संतोष कर लिया। दूसरे दिन शिक्षपा उमेश के साथ हनीमून पर निकल गई, खूब मस्ती की उमेश के साथ, और 10 दिन कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। जब लौट कर घर वापस आई तो सभी मेहमान जा चुके थे। घर पर रह गई मम्मी और शीला दीदी, और शीला दीदी जो शायद इस घर से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि पापा ने बताया था कि एक ननंद तुम्हारी ससुराल छोड़कर यहीं पर रहती है, तो फिर मैं नहीं ब्याहूंगी उस घर में अपनी शिक्षपा को। मम्मी शायद अपनी बिटिया के आने वाले जीवन से चिंतित हो उठी। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो, शिक्षपा को उमेश से अच्छा लड़का शायद ही मिले, और तुमने उसको बिल्कुल अपनी तरह स्वभाव संस्कार दिए, और अपनी शिक्षपा ही इतनी समझदारी की सबके साथ बहुत अति सरल निभा ले जाएगी। और फिर माधुरी जी काफ़ी समझदार है, पापा ने मम्मी को आश्वस्त किया। हाँ ये बात तो खैर है कि अपनी शिक्षपा में स्वभाव संस्कार तो कुट कुट कर भरे। मम्मी आवश्यक हो गई और शिक्षपा इस घर की बहू बनकर आ गई। शिक्षपा को कोई आपत्ति भी नहीं थी। शीला दीदी से माधुरी जी तो किसी बात को लेकर टोका टाकी नहीं करती, लेकिन शीला दीदी बिना वजह उसके हर काम में मिन मेक निकाल करती। फिर भी शिक्षपा उनकी हर बात को बहुत ही प्यार से सभी कार कर लेती, आखिर है तो मुझसे बड़ी ही। धीरे धीरे शिक्षपा को मम्मी की बातों से महसूस होने लगा कि शीला जीजी की इसी स्वभाव के कारण उनका ससुराल में पति और सास से पटरी नहीं खाई। शीला जीजी सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी और वो लोग इस बात को लेकर समझौता नहीं कर पाए, जबकि बड़ी और छोटी जीजी अपने ससुराल में बहुत सुखी और बड़ी।
जीजी ने शीला जीजी की शादी अपने मौसेरे देवर से करवाई थी, इसलिए बड़ी जीजी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी जीजी के स्वभाव से खुश होकर शीला जीजी को अपनी बहू बनाने की इच्छा जताई थी। लेकिन शीला जीजी तो बिल्कुल बड़ी जीजी की उलट, और एक बार शीला जीजी यहाँ आई तो फिर दोबारा गई नहीं। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन शीला जीजी यही बोली कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकती, अगर वो लोग मुझे सब सद रहने दिए तो मैं ससुराल जाऊँगी, अन्यथा नहीं, और जिद पर अड़ गई। और तब से शीला जीजी मायके की होकर रह गई। लेकिन शिक्षा तब बहुत दुखी हो जाती जब वो कोई भी अपना मनपसंद सामान लाती खरीद कर शीला किसी ना किसी बहाने उसे ले लेती, यहाँ तक कि मायके से भी कुछ मिलता तो उस पर भी अधिकार जताने में पीछे नहीं हटती। शिल्पा ने उसका भी काट निकाला और हर सामान दो दो लाने लगी, बस थोड़ा सा ही फेर बदल होता रंग रूप में, लेकिन जो सामान शिल्पा अपनी पसंद का लाती उन्हें वही पसंद आ जाता। पिछली बार जब शिल्पा मायके गई तो मम्मी ने उसके मन पसंद मीनाकारी के बहुत सुंदर टॉप्स बनवाए। वो पहनकर जैसी शिल्पा घर आई तो शीला की निगाह उस पर अटक गई, और जब तक शिल्पा से उतार कर पहन नहीं लिए तब तक उसकी पीसी पड़ी रही। शिल्पा मुझे ये बहुत सुंदर लग रहे, तुम अपनी मम्मी से कहकर दूसरे बनवा लो, शिल्पा का इतना सुनती एकदम से सेहरा उतर गया। जिस कारीगर ने ये बनाए थे अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, शिल्पा दुखी होकर बोली, तो कोई बात नहीं, ने मेरे पास ही रखे रहने दो, जब तुम्हारा मन हो तो मांग कर पहन लेना। मन ही मन रोकर रह गई शिल्पा, अपनी चीज और मांग कर पहनो, मुझे नहीं मांगना। हालांकि माधुरी जी को भी शीला की ये हरकत ना गवार गुजरी, शीला तुम्हारे पास कोई सामान की कमी है जो शिल्पा के हर सामान पर नजर लगाए रखती है, उसकी खुशी के बारे में सोचती नहीं हो, क्यों आपको क्यों बुरा लगता, ये है तो मेरी भाभी ना, क्या मैं उनका सामान नहीं ले सकती। और उन्होंने मम्मी जी को भी दो टुक सुना दिया। दोनों बहने भी शीला को बहुत समझाती, लेकिन शीला किसी की बातों पर ध्यान ना देती। देखो बेटा, शिल्पा तुझे कहना तो नहीं सही है, लेकिन मेरी तो शीला सुनने से रही, तुमको इस बात का कुछ हल निकालना होगा। मैंने देखा कि वो तुम्हारी सीधाई का गलत फायदा उठा रही है, मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में उसके लिए सामान कम हो, लेकिन फिर भी तुम समझदार हो तो तुम अपनी तरफ से देख लो, क्योंकि जब वो तुम्हारा मन पर सामान लेती है तो तुम्हारी उदासी मेरी आंखों से शोभती नहीं, तुम मेरे घर की लक्ष्मी, और मुझे इस तरह लक्ष्मी का उदास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं मजबूर हूँ बेटा, लेकिन तुम नहीं। माधुरी जी ये सब कहते कहते कहीं ना कहीं उदासी हो गए, क्योंकि शिल्पा भी तो उनकी बेटी तो थी। और आज जब शीला ने फिर से शिल्पा की अंगूठी पर निगाह लगाई तो शिल्पा ने यही सोचा, आज और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, सीजी ये अंगूठी मेरी मम्मी की, और उन्होंने ये अंगूठी मुझे निशाने के तौर पर दी, और मैं ये अंगूठी आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती। जीजी मुझे भी अपना शौक पूरा करने का पूरा पूरा हक है, अगर आपको भी ऐसी अंगूठी पहनने का इतना ही शौक है तो ऐसी अंगूठी आप भी अपने लिए बनवा लीजिए, ईश्वर की कृपा से आपके भैया बनवाने में सक्षम हैं। और मैं बिल्कुल भी मना करने से रही, आज शिल्पा ने बड़ी शालीनता के साथ अपने बात को रख दिया। बिल्कुल ठीक हो रही शिल्पा, मेरी तो तुम मानोगी नहीं, लेकिन शिल्पा आज से तुम्हें कोई भी अपना मन पसंद सामान नहीं देगी, खुद बाजार जाओ और अपने लिए खरीद कर लाओ। माधुरी जी शिल्पा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा तो अब इस घर में कोई नहीं रहा, मेरी तो जैसे कदर ही नहीं रहेगी, जैसे देखो वो शिल्पा की गुण गाता रहता, मुझे नहीं रहना इस घर में, शीला भुन भुनाती
हुई, बोली बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, किसी के गुण भी उसके गुणों को देख कर ही गाई जाती जो कि तुम्हारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। मैं उम्मीद से कहकर बंगल वाला घर ठीक करवा दे रही, और जितनी जल्दी हो इस घर में सिपट हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से हमारे खुशहाल परिवार में टूनन पैदा हुआ। लग रहा था कि जैसे मम्मी जी भी जीजी की बातों से उब सूखी थी। शिला बहुत कुन मुनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में माधुरी जी ने शिला को इस घर में शिफ्ट कर दिया और शिरपा के साथ मिलकर सेन की सांस ली। क्या शिला की सोच सही थी या माधुरी जी ने शिला को अलग घर में शिफ्ट करके सही किया या शेरपा ने अपना पक्ष रखकर गलत तो नहीं किया।